अबे यार ये गाड़ी गुड़ी ठोक देगा यार। अरे काम तो साइड दे, उसने दारू पी रखी है भाई, साइड दे साइड दे। कौन है बे, दिमाग खराब हो गया क्या? अबे हंस क्या रहा है बे? तेरी तबीयत तो ठीक है कि नहीं? अबे अबे गाड़ी नहीं चलानी आती क्या तुझे? चलना चल के दो तो थप्पड़ लगा दे इसके कान के नीचे, तुझे दिमाग भी नहीं हो जाएगा। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। अरे अरे गाड़ी में भी नहीं गया तो फिर कहाँ गया? आदित्य यहाँ से चलो, मुझे डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रही है, चलो यार। ऐसे कैसे, अभी तो यही था। चलो यार, चलो यहाँ से, चलो। लो आ गया तुम्हारा घर, और तुम बेमतलब का इतना डर रही थी। आदित्य सच मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। देखो सिया, इसके इसके बारे में सोचो ही मत, कुछ भी नहीं होगा। बट आदित्य मैं इसे भूल ही नहीं पा रही, अगर वो हमारे पीछे पड़ गया तो। सिया ये बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज, और प्लीज ये बात किसी को मत बताना। लेकिन सनी कैसे भूल जाऊं? लेकिन लेकिन कुछ नहीं सिया, बस तुम ये सोच लो कि हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो गगन? यार उसने हम सबको देख लिया है। हाँ। और सिया तुझे याद है ना, वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। सिमी तुम इसे हिम्मत दिला रही हो कि तुम इसे और डरा रही हो? देखो सिया तुम आराम से घर जाओ। सिया पापा तुम घर जाओ, मुझे जिस बात का डर था वो ही हुआ। सिया तुम जाओ, तुम जाओ। बाय गाइस, बाय। Bye guys. मुझे घर छोड़ के ना तुम लोग सीधे सीधे अपने घर जाना, समझे? सुन रहे हो ना तुम लोग? अरे हाँ सुन तो लिया यार, पांच बार तुम यही कह चुकी हो। ये तो वही गाड़ी है ना? हाँ यार। अरे यार ये कर क्या रहा है, ये इसको मार देगा यार। अरे इसकी हालत बहुत खराब है यार। अरे यार इसे हॉस्पिटल ही चलते हैं, मैं बता रहा हूँ, चलो। सिया सिया मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। पापा मुझे मालूम है आप मुझे क्या बोलना चाहते हो। मालूम है तो मेरी बात मानती क्यों नहीं हो तुम? पर पापा मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ ना। नहीं तुम अच्छे बुरे के फैसले नहीं कर सकती, अभी बच्ची हो तुम। अच्छा तो आप बताइए मुझे आपके हिसाब से मैं कब बड़ी होंगी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी समझ आएगी। पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे रहते तो बेटा तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। तुम्हारी शादी मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल से करवा के रहूंगा। नो पापा मैं राहुल से शादी नहीं करूंगी, मैं इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक उससे शादी नहीं करूंगी। देखा बेटा अपने आपको, उस सड़क छाप लड़के के लिए तुम मुझसे जबान लगा रही हो। पापा आप मुझे मजबूर कर रहे हो बोलने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी बेटी हो, और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे अच्छे बुरे का ख्याल रखूं। जब बच्चा आग को चमकती हुई चीज समझकर उसे पकड़ने जाता है ना, तो माँ बाप उसे रोकते हैं। बच्चा चाहे फिर कितना भी रोए,
माँ बाप बच्चे को आग के पास जाने नहीं देते। साहब, राहुल बाबा की मम्मी जी आई हैं। इस वक्त मैंने बुलाया है कविता जी को। 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी और राहुल की सगाई तय कर रहा हूँ मैं। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार मैंने जो फैसला कर लिया उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी अपना फैसला नहीं बदलती कभी। इसीलिए जब तक तुम अपना फैसला नहीं बदलती इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती हो तुम। नहीं पापा, पापा ऐसा मत करो, पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा। Come on fast. बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ यार। हाँ यार, शायद ये बचेगा भी नहीं। अबे यार। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है, मेरा बेटा जिंदा है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा जिंदा है डॉक्टर साहब। अपनी सुसाइड पर से चेक कीजिए प्लीज। मैडम, उसकी मौत अस्पताल में आने से पहले ही हो गई थी। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप उसे ठीक नहीं कर सकते तो मैं उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। प्लीज, ये खून का मामला है, अब तो CID के आने के बाद ही आपको ये लाश मिलेगी। मैं उस गुनी को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझे बेसहारा किया। कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो आत्मा हो या जो भी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बेसहारा किया है उसने मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कहीं आंटी उस आत्मा के बारे में बात तो नहीं कर रही है ना, जिसने इस आदमी को मारने की कोशिश की है? हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। भाई मैं तो बोलता हूँ ना कि हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। तू सही बोल रहा है, हमें ना ये सारे झमेलों से दूर रहना चाहिए। हाँ सिया, क्या क्या बात कर रही हो? ओके, नहीं नहीं सुनो, तुम टेंशन मत लो, मैं बस अभी वहां आता हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं बस आ रहा हूँ, बस यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। हाँ अब क्या हुआ? अरे यार, सिया के पापा ने उसको कमरे में बंद कर दिया और वो उस राहुल से उसकी एंगेजमेंट करने वाले हैं। यार मैं जा रहा हूँ, ठीक है? यार तुम दोनों एक काम करना। पर तू सिया से मिलेगा कैसे? पता नहीं यार, मैं देख लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम दोनों ना कोई एक होटल में एक रूम बुक कर लो यार, ताकि एटलीस्ट एक रात में उसको वहां रख लूं और फिर कल सुबह मैं उससे शादी कर लूंगा पक्का। चल भाई, ख्याल रख अपना। मैं आ गया। या, आई एम कमिंग कमिंग।
जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी। संभल के, संभल के। आदित्य। हाँ। वहाँ कोई है? वहाँ पे कोई है? कौन? वही गायब होने वाला आदमी। सिया, वहाँ कोई नहीं है। बट आदित्य, मैंने देखा उसको घर के अंदर। सिया, वहाँ कोई नहीं है। देखो, आवाज मत करो, ये बस तुम्हारा दिमाग का वहम है, ठीक है? अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इससे पहले कोई हमें पकड़े, निकलो यहाँ से। चलो चलो। अच्छा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ, आप उधर ही में नोट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, और फिर क्या हुआ? सर, सर, मार डाला उसने मेरे बेटे को, मैं बर्बाद हो गई सर। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने बेटे के? एक मिनट, किसने मार डाला आपके बेटे को? हाँ, कब? मेरे देखते ही देखते मेरे लाल ने दम तोड़ दिया। छोड़िएगा मत उस कूनी को, छोड़िएगा मत, उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए, उसे कहीं से भी। मैम, एक बार शांत हो जाइए आप। पहले ये बताइए कि आपके बेटे को मारा किसने? पता नहीं कौन था, मार दिया मेरे सोहन को, मार दिया। संभालिए अपने आप। मेरे लाल को हमेशा के लिए सुला दिया उसने। देखिए मैम, हम आपके बेटे को जिंदा तो नहीं कर सकते फिर से, पर उसके खूनी को सजा जरूर दिलवा सकते हैं। आप ये बताइए कि हुआ क्या, ये सब कैसे हुआ? मैं अपने कमरे में थी सर, तभी सोहन की चीख सुनाई दी। मैं भागे भागे वहां पहुंची तो देखा उसने सोहन को चाकू मार दिया था, और वो खूनी खूनी खिड़की की तरफ भागा। वो खिड़की से बाहर निकल गया? नहीं सर, वो खिड़की तो बंद थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा मुझे। ऐसे गायब हो गया जैसे कोई जैसे कोई आत्मा या कोई गायब होने वाला आदमी। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम। प्लीज संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। देखिए, हम आपके बेटे के खूनी को सजा जरूर दिलवाएंगे। आप फिलहाल घर जाइए प्लीज, हम लोग देखते हैं। प्लीज आइए, प्लीज आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप शांत हो जाइए। सर, सर, कई लोगों ने उस आत्मा को देखा सर, मेरा मतलब है वो गायब होने वाले आदमी को सर। हाँ सर, उस आदमी ने अपनी गाड़ी से चार चार लोगों को ठोकर मारी सर, और तो और कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला भी किया। सर सिर्फ रात को दिखता है, देखते देखते गायब हो जाता है और फिर वापस भी आ जाता है। पता नहीं सर वो क्या क्या चीज क्या है। आदमी तो नहीं हो सकता, कोई खतरनाक चीज लगती है सर। तब तो जल्द से जल्द मिलना पड़ेगा इससे, निकले काम करो। सोहन की लाश को फॉरेंसिक में मंगवा लो। हेलो इंस्पेक्टर दया, क्या कब कहां पे? ओह नो, ठीक है हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। उस अदृश्य होने वाले आदमी ने दो खून और कर दिए हैं। यार गगन, तूने हमारे लिए कितना कुछ किया है यार। अरे आदित्य भाई, दोस्ती में ये थैंक्स एंड ऑल इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम लोग होटल होटल कर रहे थे तो मैंने सोचा यार ये अपना घर है, बंद पड़ा हुआ है, तो शादी की तैयारी क्यों ना यहाँ से की जाए। सिया, क्या हुआ सिया, तुम इतनी अपसेट क्यों? आदित्य, मुझे पापा की बहुत चिंता हो रही है। देखो सिया, इस वक्त और कुछ मत सोचो, सिर्फ अपनी शादी के बारे में सोचो। हाँ आदित्य, मगर पापा की मर्जी के खिलाफ ये सब ठीक होगा? सिया, एक बार शादी हो जाएगी ना तो रवि अंकल भी ये बात मान जाएंगे, ट्रस्ट मी। और वैसे भी शादी के बाद हम जाएंगे ना उनके पास आशीर्वाद लेने, मैं भी तो देखूं वो कब तक नाराज रहेंगे हमसे। हाँ हाँ, और शुभकामना में ना देरी नहीं करते, मुझे ना सिया को जल्दी से भाभी कहना है। भाभी? नो वे। हाँ, शादी के बाद तो तुम हमारी भाभी बन जाओगी ना। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। साहब, साहब, तुमने फोन किया था सीआईडी को? जी साहब। फोन कहाँ हुआ? अंदर साहब, साहब संभल के अंदर जाइए। क्यों सर? आत्मा है अंदर। आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता, सब बकवास है, चलो।
नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जैसे उसने मालिक को मार डाला वैसे वो मुझे भी मार डालेगी। देखो कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना साथ में। नहीं साहब। आ जाओ साहब। आओ साहब। देखिए साहब और मैम साहब। सर, इनके शरीर पे चाकू के घाव के अलावा ना कोई चोट है, ना ही कोई हाथापाई के निशान। सर, इनके शरीर पे भी कोई खरोच का निशान नहीं। मतलब चाकू से हमला अचानक किया गया है, अपने आप को बचाने का मौका ही नहीं मिला इन्हें। तुम्हें कब पता चला कि इन दोनों का खून हुआ है? साहब, कविता मैडम साहब के लिए मैं किचन में चाय बना रहा था सर। हाँ फिर? तभी जो है दोनों के चीखने की आवाज आई तो मैं भाग के बाहर आया तो मैंने देखा दोनों को चाकू मारा हुआ है। हाँ, आगे। और सर वो कौन? वो खूनी? नहीं सर, आत्मा। वो गायब हो गया एकदम से मेरी आंखों के सामने। सर गायब हो गया? हाँ सर। साहब वो फिर आ सकता है, फिर आ सकता है। साहब डरो, इस बार आएगा तो हम उसे पकड़ लें। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, उसने टोपी वाली जैकेट पहन रखी थी, उससे अपना चेहरा उसने ढक रखा था। साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, वो आत्मा ही थी। घर के सारे दरवाजे बंद थे फिर भी वो अंदर कैसे आ गए साहब? घर में और कौन कौन रहता है? साहब रवि साहब और सीएमएम साहब। सीएमएम साहब? रवि साहब की बेटी। कहाँ है वो? साहब वो रवि साहब और सीएमएम साहब का झगड़ा हुआ था तो साहब ने उन्हें जो है कमरे में बंद कर दिया था। चलो दिखाओ कहाँ है वो कमरा। साहब ऊपर है। चलो बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजना। चलो चलो, कुछ नहीं होगा। ये वाला कमरा है साहब? ये? हाँ सर। ये तो बंद है। मेरे पास चाबी। हाय सर। कहाँ है? थी तो यही साहब। सिया? सर। सही है, देखिए। लगता है यहाँ से कोई नीचे गया है। सर शायद खूनी सिया के कमरे में आया हो। हाँ आया भी हो तो सिया कहाँ चली गई? ये सिया का नंबर देना जरा। सर 1144। अरे यार आदित्य, भाई सिर्फ देखता ही रहेगा कि क्या पहनना है या पसंद भी करेगा भाई। अरे मेरे भाई, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है ना, तो यार थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। हाँ भाई ले ले, ले, ले। टाइम ले ले, पर कहीं तेरे टाइम के चक्कर में ऐसा ना हो कि सिया अपना फैसला ही बदल दे। हेलो, यहाँ सिया? सीआईडी से? क्या हो पापा को? मैं आ रही हूँ। इज ही ओके? पापा ठीक है? सोहन, रवि और कविता के घाव काफी गहरे थे, इससे ये साबित होता है कि खूनी काफी ताकतवर है। सर आत्माएं बहुत ताकतवर होती है सर। पंकज, मैं इंसान की ताकत की बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन एक आदमी आता है और गायब भी हो जाता है, वैसा कैसे कर सकता है? लेकिन एक बार ये खूनी हमारे हाथ लग जाए ना तो उसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। सही है, उसी ने किया सर। सही है, जरूर उसी ने किया। उसी ने मारा मेरे पापा को। एक मिनट शांत हो जाइए। किसने मारा आपके पापा को? सर मैं जब आदित्य के साथ साथ घर से जा रही थी ना तो सर मैंने उस एक होट वाले को देखा था सर। वो घर की तरफ ही आ रहा था सर, लेकिन वो एकदम से गायब हो गया सर। सर काश मुझे पता था वो पापा को मारने जा रहा है तो मैं उसको रोक लेती। काश मैं घर में रुक गई होती, मेरे पापा आज मेरे साथ होते। अच्छा आप लोगों ने खूनी को देखा है? जी हाँ सर। कहाँ देखा था?
सर वो हम कार और बाइक की रेस कर रहे थे और तभी वो वहां से गुजरा था। चेहरा देखा था किसी ने? नहीं मैडम, उसका चेहरा हुड वाली जैकेट से ढका हुआ था पर उसके छुट्टी और होंठ दिख रहे थे। पर सर, जब उस आदमी ने अपनी गाड़ी से हितेश को टक्कर मारी थी तब हम लोग वहीं थे और हमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था। हितेश कैसा है? अब ठीक है सर, पर उसे काफी चोट लगी थी। गाड़ी का नंबर क्या? MH01R5393। निकल, फोन करके पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, आप लोगों को गाड़ी के बारे में और कुछ याद आ रहा है? किस रंग की गाड़ी थी, कैसी थी दिखने में? गाड़ी काफी पुराने मॉडल की थी, लाल रंग की थी मगर बहुत तेज चलती थी। सर 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 वो गाड़ी किसी रोहन के नाम पर रजिस्टर्ड है, मलाड में रहता है। रोहन ऑफिसर, ये जमीन क्यों हिल रही है? जमीन नहीं हिल रही है, तुम हिल रहे हो। पब में बैठे बैठे दारू गटकाए जा रहे थे, बोला अच्छा? जमीन हिल रही है। यानी मैं अभी भी पब में हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि आप लोग ने मुझे वहां से निकालकर मेरे फार्म हाउस पे ले आया। गनीमत है, इतना होश तो है इसे। वो कहाँ है तुम्हारी वो लाल कार 5393? अरे है ना वो वहाँ वहाँ खड़ी। चलिए सर, एक बात बताइए, मैंने तो खुद उसे 2 सालों से नहीं देखा, आपने कहाँ देख लिया? रोज रात को वो कार सड़के नाप रही है, समझे तुम? ये देखिए सर, मेरी पुरानी दुल्हनिया, मेरी लाल परी, 2 सालों से मकड़ी के जाल में लिपटी हुई मेरी लाल परी। सर बहुत साल पहले मेरी मॉम ने मुझे ये लाल परी गिफ्ट में दिया था। तुम जरा उधर खड़े हो जाओ। थैंक यू सर। में हवा भरी हुई और कार पर कोई धूल या जाला भी नहीं। पेट्रोल भी भर के रखा है और बोलता है 2 साल से कार खड़ी है। ए, 2 साल से कार खड़ी है ना, पेट्रोल कहां से आया इसमें? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब, मैं तो इसमें पानी भी ना डालूं, पेट्रोल कहां से आ गया? पानी नहीं है, पेट्रोल है, वही पूछ रहे हैं कहां से आ गया। मैंने कहा ना सर, मैंने इसमें पेट्रोल नहीं भरा, मैं तो शहर में रहता हूँ। तुम शहर में रहते हो लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई इस कार का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी गुनाह के लिए। मैं सर आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी लाल परी को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। सर लगाया है, हाथ लगाया। कुछ मिला क्या? हाँ अभिजीत, स्टीयरिंग व्हील पर फिंगरप्रिंट्स हैं, ताजे ताजे। वाह, इससे उस आदमी के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही सकता है। स्टीयरिंग व्हील पे निशान है, हवा भरी हुई है, पेट्रोल भी भरा है, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई पेट्रोल पंप है नहीं, तो पेट्रोल कहाँ से भरा होगा? डॉक्टर साहब आप कार की सफाई करो, तब तक हम लोग जरा देख लेते हैं पेट्रोल कहाँ से भरा है। सफाई मतलब सर वो फिंगरप्रिंट्स उठा लीजिए ना सर। चेक करूँ? हाँ चेक कर लीजिए। हाँ। चलो भाई चलो चलो चलो। अच्छा हितेश, आपने उस आदमी को देखा था ना? हाँ सर, लेकिन पूरा चेहरा नहीं दिखा सर। सर वो गाड़ी में था और कोई हुड वाली जैकेट पहने हुए था सर वो। फिर भी कुछ तो देखा होगा तुमने। मैम मुझे उसका नाक के नीचे का कुछ कुछ चेहरा याद है मैडम। अच्छा विपिन, आपके साथ क्या हुआ? जब मैं जॉब पे से घर पे जा रहा था, गली में जैसे मुड़ा वैसे मेरे पे अचानक हमला हुआ। हमला करने के बाद में वो अचानक गायब हो गया। तुम पहचान सकते हो उसे? उसने हुड वाला जैकेट पहन रखा था, इसकी वजह से उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन हाँ जब मैं नीचे गिरा तो उसके आंखें और आंखों के नीचे का हिस्सा देख पाया।
इन्होंने भी उसका पूरा चेहरा नहीं देखा और इनमें से किसी ने भी उसका पूरा चेहरा नहीं देखा, ठीक है? इन्होंने जो कुछ भी देखा है उसका स्केच बनाइए। करते हैं जयवंती, थ्री डायमेंशनल टेक्निक से इसकी रंगीन तस्वीर बनाते हैं, आसानी से इसकी पहचान हो जाएगी। ये रहा वो आदमी, ये है वो आदमी, बहुत जल्द मिलेंगे हम तुमसे, निकल। ये फोटो सारे अखबार और टीवी चैनल्स पे भिजवा दो। इस आदमी को गायब होने का बहुत शौक है, हम दिखाते हैं इसे गायब होना किसे कहते हैं। माफ करना साहब, गलती हो गई, लेकिन मैंने क्या किया है? क्या किया है? पेट्रोल ब्लैक करते हो हैं? अरे ये क्या बोल रहे हो साहब, भला अब गैरेज में कोई पेट्रोल बेचेगा क्या? बहुत समझदार हैं ये। तुम बेचते हो पेट्रोल, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बेचता हूँ, जब मेरा मालिक यहाँ नहीं रहता तो किसी भी गाड़ी से निकाल कर थोड़ा बहुत बेच लेता हूँ। कल किसको बेचा था? कल किसको बेचा था? इस गाड़ी वाले को। मेरे गाने की कसम साहब, ये गाड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन हाँ कल देर रात दो लोग आए थे पेट्रोल लेने। उनको पहचान सकते हो? आधी नींद में था साहब, लाइट भी बंद थी, सच में साहब ध्यान नहीं है, अब मैंने तो बस पेट्रोल दिया और पैसे लिए। अरे कुछ तो याद होगा, कैसे बात कर रहे थे, क्या कपड़े पहने थे हैं? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा साहब, पर गाना गाना साहब जी। फिर गाने की बात? मेरा कहने का मतलब है, कल उनमें से एक ने कान में ईयरफोन लगा रखा था और गाना इतने जोर से बज रहा था कि मुझे तो ऐसे ही सुनाई दे रहा था। कान में ईयरफोन लगा रखा था, हो सकता उनमें से कोई रोहन की गाड़ी लेके जाता हो। सारी मीडिया पूरे शहर में ये फोटो फैल गई है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि है कौन। हमारे बेटे की फोटो इस तरह हर चैनल पे कैसे दिखा सकते हैं आप? तो ये आपका बेटा है? हाँ कमल। मैं आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने वाला हूँ, आप लोगों ने हमारी भावनाओं और जज्बातों को चोट पहुंचाई है। आपके बेटे ने खून किया है, लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहा है और आप हम पर केस करने वाले हैं? जो मन में आए बोले जा रहे हैं आप, सीआईडी वाले हैं तो क्या हुआ, कुछ भी बोलेंगे। आपका बेटा कहाँ है? आपका बेटा कहाँ है? हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं। दुनिया में नहीं है, क्या मतलब है? 4 साल हो गए वो हमें छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर एग्जाम में फेल हो गया, इस गम को बर्दाश्त न कर सका और उसने
आत्महत्या कर ली। हमारे सारे सपने टूट गए। एक ही तो बेटा था हमारा, और वो भी। आप ही बताइए, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो खून कैसे कर सकता है? देखिए, शायद जाने अनजाने में शायद गलती हो गई हमसे, पर अगर कमल मर चुका है तो फिर वो कौन है जो लोगों के सामने आ रहा है, और वो गायब कैसे हो रहा है? हेलो, क्या सिया खतरे में? से बाहर की तरफ जा रहा है। अब हमसे दूर जा नहीं सकता वो। सर, अच्छा किया हमने इसी गाड़ी में बकफिट कर दिया ताकि इसकी हरकतें सामने आ सकें। हाँ सर, उसे पता ही नहीं कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। मगर हमें पता था कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसीलिए उसकी गाड़ी में बग लगा दी। सालों के समय रोहन के फार्म हाउस पे बता दिया कि उस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। अभी क्या दिखा रहे लोकेशन उसका? चारों तरफ फैल जाओ, सावधान रहना। आपको हमारे हवाले कर दो, हमारा खेल खत्म हो चुका है। मुझे पता है असली मुजरिम तू नहीं है। वाह रे मेरा नसीब, वाह। मानना तो मुझे सिर्फ तुझे था, पर बेचारे ये सारे सीआईडी वाले फंस गए।
आदित्य, मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुमने क्यों किया ऐसा? बदला, मुझे बदला चाहिए तुमसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आदित्य? तुमने नहीं, तेरे बाप ने। रवि और कविता ने एक छोटी सी जगह, एक प्लॉट के लिए मेरे परिवार को मार डाला। और अब मैं तुझे मारूंगा और इन सबको भी। आदित्य नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये रिमोट देख रही हो, इसको दबाते ही तुम सब लोग ऊपर उठ जाओगे। नहीं आदित्य, आदित्य नो, आदित्य मत करो ऐसा, प्लीज डोंट डू दैट। चलो बॉयज, आदित्य नो, आदित्य प्लीज मत जाओ। आदित्य पता है, मेरे माँ बाप भी ऐसी तड़ पे थे और चिल्ला रहे थे, तेरे बाप ने एक नहीं सुनी। ठीक हो तुम? हाँ। चलो। बता, क्या फर्क है तुझ में और सिया के पिताजी रवि में? उसने तेरे माँ बाप को मार दिया और तुमने उन्हें मार दिया। मैं और क्या करता सर, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मगर सर, आप तो बेहोश थे, आपको होश कैसे आया? तुमने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन तो मारा, पर वो दवाई मेरे शरीर के अंदर नहीं गई, और इससे पहले कि तुम मुझ तक पहुंचते, मैंने सिरिंज से वो दवाई निकाली और फिर वो सिरिंज अपने शरीर पे लगा ली। तुमने सोचा कि मैं बेहोश हूं, मगर मैं होश में था, और तुम्हारे बारे में तो हमें पहले ही पता चल चुका था। आपको कैसे पता चला? हमने तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल ली थी। कमल मर चुका है, और लोगों ने जिस आदमी को देखा है, वो दिखने में, उसकी चाल डाल और कपड़े पहनने का स्टाइल आपके बेटे कमल जैसे कैसे हो सकता है? सर वो नहीं पता। हाँ, लेकिन हुड वाले जैकेट पहनना मेरे कमल को बहुत पसंद था सर, वो अक्सर जैकेट पहने ही रहता था। सर, कमल की कॉलेज के टाइम्स के सर वीडियोस और फोटोग्राफ हैं सर हमारे पास। हम वो देख सकते हैं? जी सर। ये भी कमल का दोस्त आदित्य है। ये बात है। सर, अभिजीत सर बता रहे थे कि जो लड़का गैरेज में पेट्रोल लेने आया था, उसने अपने कान में हेडफोन लगा रखा था। हाँ फ्रेडी, ये काम करो, इस गगन और आदित्य, इन दोनों की पूरी डिटेल्स निकालो। ये सर, पंकज। सर, पीटर रेडी है। दूसरा देखो।
दया सर। दया, जब मैंने पहली बार रोहन की गाड़ी को उसके फार्म हाउस पे चेक किया तो मुझे उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दी। मैंने फिर से जब उसे चेक किया तो मेरे समझ में आया कि दरअसल उसमें गड़बड़ थी क्या। दया, रोहन की गाड़ी में एक होलोग्राम प्रोजेक्टर लगा हुआ था। क्या? सर, उन विक्टिम्स ने बिल्कुल यही सारे आवाज़ बताए थे उस गायब होने वाले आदमी के बारे में जो इन वीडियोस में। इसका मतलब है उस आदमी के गायब होने का जो हल्ला मचा हुआ है वो और कुछ नहीं बल्कि इस वीडियोस को प्रोजेक्टर के जरिए होलोग्राम से दिखाया जा रहा था। सर, आप रेडी? क्या पता चला? सर, आदित्य के परिवार को रवि और कविता के कंपनी वालों ने ही मारा है। और सर, जिन लोगों पे हमला हुआ था वो रवि और कविता की कंपनी में काम करते थे। इसका मतलब है ये सारा खेल तमाशा आदित्य का है। और जैसे ही डॉक्टर सालुंके ने कंफर्म कर दिया कि तुम्हारी कार में होलोग्राम का प्रोजेक्टर लगा था, हमें समझ में आ गया कि तुम्हारा प्लान क्या है। पापा सही बोलते थे, तुम प्यार करने के लायक ही नहीं हो। अरे, तुम्हारा बाप कौन सा दूध का दूल्हा था? और तुमने भी कानून की मदद लेने के बजाय कानून को अपने हाथ में ले लिया। अब अपना ये होलोग्राम वाला कर्तव्य कैदियों को दिखाना जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.